उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की बड़ी बैठक गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में संपन्न हो गई है। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चौब सिंह वर्मा ने ओबीसी आरक्षण की चर्चा और समीक्षा की। बता दें कि चौब सिंह वर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया है। चौब सिंह 31 मार्च तक पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसको लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ा आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को देगा। ओबीसी क्लास में जो नौकरी या एजुकेशन में एडमिशन में था उसको अलग रखे, ये देखना है कि ओबीसी क्लास का कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो हम ये डाटा प्राप्त कर रहे हैं, लिखा पढ़ी में भी कर रहे हैं और यहाँ भी मीटिंग करके अधिकारियों को। तो हमने DSTO बुलाए जिससे कि उनके पास कुछ मटेरियल हो जनगणना संबंधी या कोई सर्वे हुए हों ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में, और निकायवार हमको ये सूचना चाहिए कि अमुक निकाय में कितने ओबीसी कम से कम 3 इलेक्शन के जो पिछले इलेक्शन के हैं कितने निर्वाचित हुए हैं।